जैनब, पूरे साल तुमने गेम खेलनी है, ये एक ही महीना होता है इबादत का, जाके इबादत करो, नमाज पढ़ो, जाओ। हाय दबी, बस मेरा एंड होने वाला है। हाय दबी, मैं कब रखूंगी रोजा? और साथ साथ आपने नमाज भी पढ़नी है। ओके जुमेरा, वो क्या होता है? हाइदा पे बोल रही है, जाके माइदा पे को उठाओ, नमाज पढ़ो। अच्छा जनाब रुको, हाइदा भी को ना बताना मैं पढ़ती हूँ नमाज। जैनब मोबाइल को छोड़ो, नमाज पढ़ो, अभी आके मोबाइल पे लगी हुई हो, आओ नमाज पढ़ो। अच्छा है तभी, अभी पढ़ती हूँ मैं। जैनब मैं कह रही हूँ जाके नमाज पढ़ो, इस मोबाइल को छोड़ो, जाके उसके बाद कुरान पढ़ो, ये फजूल टाइम यहाँ पे यूज कर रही हो अपना। हाय तभी, बस मेरा एंड होने वाला है। जैनब पूरे साल तुमने गेम खेलनी है, ये एक ही महीना होता है इबादत का, जाके इबादत करो, नमाज पढ़ो, जाओ। हाय दबी, जो आप मुझे कह रही, जाके मायदा पी को पहले उठाएं, जो सो रही है। मैं क्यों जाऊं भाई, जाओ मायदा को उठाओ और साथ ही वजू करो और नमाज भी पढ़ो जल्दी से। ये ले हाय दबी, मैंने छोड़ दिया, अब खुश है? मैं तुम्हें कोई गलत बात नहीं बता रही, अच्छी बात बता रही हूँ। चलो ठीक है हाय दबी, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ये हुई ना बात, साथ में मायदा को जल्दी उठाओ, सभी को नमाज पढ़े। हर टाइम गेम गेम गेम, एक ही महीना होता है जो इबादत का होता है वो भी नहीं करते। सुनहरा ये क्या कर रही हो आप? हाय दफे, मैं एप्पल खा रही हूँ, आपको पता नहीं? मुझे तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरा रोजा है। हाय दफे, मुझे पता है। फिर आप क्यों खा रही हो सुनहरा? रोजेदारों का एहतराम करते हैं, उनके सामने कोई भी चीज नहीं खाते। हाय दफे, सॉरी। जी सुनहरा, बुरी बात होती है रोजेदारों के सामने कुछ नहीं खाते। कल से मैं भी रोजा रखूंगी। पक्का आप रोजा रखोगी? मगर आप जुनेरा बहुत छोटी हो अभी। हाय दफे, मैं कब रखूंगी रोजा? जुनेरा आप ऐसे करना कि चिड़ी रोजा रख लेना, वो सही रहेगा। चिड़ी रोजा? वो क्या होता है? वो बच्चों के लिए होता है जुनेरा। यस, हाय दफे, मैं चिड़ी रोजा रखूंगी। और साथ साथ आपने नमाज भी पढ़नी है। ओके जुनेरा, हाइदा पे मैं मास पढ़ती हूँ, आपको पता नहीं? मुझे पता है आप पढ़ती हो, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करा रही हूँ कि आपको याद रहे कि आपने नमाज पढ़नी है। फिर भी एक तो माइदा पे को उठाया था, फिर सो गई। माइदा पे, माइदा पे, माइदा पे, उठे उठे, क्यों तंग कर रही हो? हटो। माइदा पे, माइदा पे, उठे, रोजा रख के सो गई है, तो क्या करूं? हाइदा पे बोल रही है, जाके माइदा पे को उठाओ, नमाज पढ़ो। अभी मुझे नींद आ रही, बाद में पढ़ लूंगी नमाज, जाओ जनाब इधर से। अच्छा बाद में पढ़ लूंगी नमाज, अभी मैं हाइदा पे को बताती हूँ। अच्छा जनाब रुको, क्या हुआ? हाइदा पे को ना बताना मैं पढ़ती हूँ नमाज। ठीक है, सुनने भी नहीं देती से। जी उठे जल्दी, नमाज पढ़े, आपका क्या फायदा रोजा रखने का? पूरा दिन तो आपने सोने में गुजार दिया, ना कोई नमाज, ना कोई कुरान, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। सही कह रही हो जैनब, मैंने तो सारा टाइम सो के गुजार दिया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, ना कुरान पढ़ा। अब मैं फौरन से जाके नमाज पढ़ूंगी और फिर उसके बाद कुरान पढ़ूंगी। ये हुई ना बात, जल्दी से नमाज पढ़े, और हाइदा के पास है, हॉल में बैठी हुई है। हाय दबी, मैं नमाज भी पढ़ाई हूँ और सिपारा भी। गुड, ये हुई ना बात, ये एक ही महीना होता है इबादत का। क्यों हाय दबी, हम आगे पीछे तो नमाज पढ़ते हैं और इबादत भी करते हैं। रमजान के महीने में इबादत करने का ज्यादा स्वाब मिलता है। अच्छा हाय दबी, मैं कल से सारा टाइम मोबाइल पे नहीं वेस्ट करूंगी, मैं इबादत करूंगी और कुरान भी पढ़ूंगी। जी और मायदा साहिबा को उठाया या नहीं उठाया? जी हाइदा पी, पहले तो वो सो रही थी, मगर अब नमाज पढ़ने के लिए गई है। चलो अब मैंने नमाज पढ़ ली, मैं हाइदा पी के पास।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसे उठाया। लो आ गई, आओ मायदा बैठो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हायदा अपी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। नमाज पढ़ ली? जी हायदा अपी पढ़ ली। अच्छी बात है। आपने? मैंने तो पहले ही पढ़ ली थी, फिर जैन ने आपसे कहा था कि जाके पढ़े और वो गेम में लगी हुई थी और तुम्हें उठाने के लिए आई तो तुम भी नहीं उठ रही थी। हायदा अपी सॉरी, आज मैंने पूरा दिन सोने में गुजार दिया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कल से मैं सारी नमाजें पढ़ूंगी। अच्छी बात है मायदा, रोजा जब बंदा रखता है ना तो उसको सो के नहीं गुजारते, इबादत करते हैं, उठ के नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इतना टाइम होता है। सही कह रही हैं आप हायदा अपी। और जनाब आप भी? अच्छा हायदा अपी, चलो उठो, तारी का टाइम हो रहा है, बर्तन शर्तन ला के रखने आओ। चलो और जामिशमी भी बना लेंगे, है ना? ठीक है हायदा अपी, आ जाओ आ जाओ। हायदा अपी आगे पीछे तो हम मायदा अपी को लेके फिरते रहते हैं, शॉपिंग वाली जगह पे, खाने पीने वाली जगह पे, आज तो इबादत की रात है, उनको नहीं लेने जाना? हाँ सच याद आया मुझे, मायदा ने तो मुझे स्पेशल फोन किया था कि हायदा अपी कल आप इबादत के लिए जाएंगे ना तो मुझे लेके जाना। तो अब हायदा अपी मायदा अपी को नहीं लेने जाना? अब उसे कैसे बुलाऊं, हम तो रेडी हो गए। हायदा अपी अभी तो टाइम है सूरतुल तस्वीर में, मायदा अपी को बुला लें। अच्छा वाह, अकेले अकेले नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी जाती इनके पास। हाँ आधा घंटा, सही कह रही है जनाब, चलाओ उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अरे वाह देखो कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी हम इसकी बात कर रहे थे आ भी गई। मायदा अकेले अकेले नमाज पढ़ने जा रहे हो? अरे मायदा मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अरे नहीं नहीं मायदा भी, हम तो आप ही की तरफ आ रहे थे। अच्छा मेरी तरफ आ रहे थे, मैंने तो कल स्पेशल फोन किया था, अगर इबादत करने जाओगे तो मुझे भी लेके जाना। सही बताऊं मायदा, मैं सच्ची में भूल गई थी। चले कोई बात नहीं हायदा अपी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और जैनब ये बताओ, ये जो तुम जेंगो कलर पहने हो, कहाँ पे जा रही हो, इबादत करने जा रही हो या फिर पार्टी में? क्यों मायदा अपी, अच्छा नहीं लग रहा? हायदा अपी नहीं अच्छा लग रहा मेरे ऊपर? अरे नहीं नहीं जैनब, सीरियस क्यों ले रही हो, मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। मजाक कर रही हूँ जैनब, मैं तो बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। मायदा जैनब इबादत के लिए सिर्फ आधा घंटा रहता है, बातों में हमने 10 मिनट लगा दिए, चलो चलते है ना। चले हायदा अपी। आज बच्चों गुड्डा ले लो, गुड्डा गुड्डा ले लो। हायदा अपी जल्दी चलें, टाइम नहीं है। मायदा ठहर जो भाई, 15 मिनट है अभी इबादत के लिए, ठीक है टाइम है, सब्र आराम से चलो। अच्छा ठीक है। आओ बच्चों गुड्डा ले लो, सस्ता बेच रहा हूँ, ले लो बेटा ले लो। नहीं अंकल, हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए गुड़िया। बच्चों एक पीस ले लो, सुबह से कोई भी नहीं बिका। नहीं अंकल, हमने क्यों गुड्डा लेना है, हमारी तो उम्र गई गुड्डा लेने वाली। जी बेटा कोई घर में बच्चा होगा उसके लिए ले लो, बेटा एक आधा गुड्डा ले लो, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अंकल परेशान मत हो, आप भी हमारे साथ चल के नमाज पढ़े, आज इबादत की रात है। अंकल आप अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह से दुआ मांगे ना। आज कबूलियत की रात है, इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। सही कह रही है हायदा अपी और मायदा अपी, आप जल्दी से जाकर दुआ मांगे, आपके सारे खिलौने बिक जाएंगे। अंकल आप अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह से दुआ मांगे ना। अच्छा अच्छा बेटा आज कबूलियत की रात है, ठीक है ये खिलौने मैं बाद में बेच लूंगा फिर, ठीक है मैं पहले जाके नमाज पढ़ता हूँ, आप चले मैं आता हूँ, चले आप मैं आ रहा हूँ। ठीक है अंकल जल्दी जल्दी आते हैं। जी ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट रह गए हैं। चलो भाई चलो चले। ठीक है बेटा चलो मैं आ रहा हूँ। गुड्डे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, मस्जिद में लेके नहीं जा सकता मैं, यहाँ से चोरी ना हो जाए। कोई बात नहीं, अल्लाह मेरा इनका ध्यान रखेगा, चलता हूँ मैं। आज तो जैनब नमाज पढ़ के तो सुकून आ गया, मैंने बहुत अच्छी दुआ की थी। अच्छा मायदा भी क्या दुआ मांगी थी? अरे भाई दुआ नहीं पूछते, बस अल्लाह को पता है मैंने उसी से ही मांगी है। अच्छा गुड, और आपको पता मैंने भी ढेर सारी दुआ मांगी। अच्छा हुआ तुमने ढेर सारी मांग ली, आज रात ही है कबूलियत की। सही कह रही है मायदा भी, आज कबूलियत की रात है, मगर हायदा अपी कहाँ रह गई हैं? जी जी भाई क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं मेरी? अरे हायदा अपी कोई बात नहीं कर रहे थे आपकी, हम लोग तो बस ये बात कर रहे थे दुआ के बारे में। दुआ के लिए? आज तो मैंने भी अल्लाह से खुल के मांगा है। चलो देखते हैं अल्लाह सबकी दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। हायदा अपी अब चलते हैं। क्यों हायदा अपी? क्योंकि मैंने अंकल से वादा किया मैं उनसे गुड्डा लूंगी। सही कह रही है जैनब, चलो चलो आओ चले। चलो अब आदत तो कराए मैं, अब अपने में गुड्डे बेचता हूँ, दुआ तो की अल्लाह के रास्ते अल्लाह कोई मदद फरमा दे। आ जाओ बच्चों
गुड्डा ले लो, गुड्डा आ जाओ। गुड़िया जी अंकल, आओ, गुड्डा चाहिए आपको? अंकल ये कितने का है? बेटा ये 200 रुपए के और ये 200 रुपए के। अंकल जी मुझे सब दे दो भाई, मुझे अपने पैसे दे दो। ये लो बाबा पैसे। थैंक यू भाई। ले आई पैसे, ये लो बेटा, ये लो। अंकल ये लो पैसे, मुझे गुड़िया दे दो भाई। ये लो गुड़िया, ये लो पकड़ो बेटा, ये पकड़ो दोनों है, एक ये भी पकड़ो, शाबाश, लाओ पैसे, ये लो आप। ओके शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। थैंक यू अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सही कहा था बच्चों ने कि अल्लाह से मांगे खुद ब खुद बिकेंगे। चलो चलता हूँ घर। हैं हाइदर पे अंकल कहाँ गए? वो जा रहे हैं अंकल, आवाज दो जाना जल्दी। अंकल रुके। अरे बच्चों आप आ गए। अंकल मेरा गुड्डा कहाँ है? बेटा वो एक ही बच्ची ने सारे गुड्डे ले लिए, ये देखो अभी मैं पैसे गिनती कर रहा हूँ। चले कुछ नहीं होता, मगर मैं आपको बोला था ना अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके सारे गुड्डे बिक जाएंगे। सही कहा बेटा आप लोगों ने, मैंने जाके अल्लाह से मांगा तो बाहर आके भी मैं गुड्डे पकड़े ही थे, एक छोटी बच्ची आ गई सारी ले गई थी। अंकल इसलिए तो कहते हैं नमाज में बरकत है। ठीक है अंकल अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज, मैं भी चलता हूँ घर। चले हाइदर जी। चले हायदा पी अब चलते, कितना मजा आया था ना नमाज पढ़ने का। जी मायदा साहिबा चलो।